एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और अभी देखिए सुबह का व्यू कितना खूबसूरत हो रहा है। बहुत ठंडा मौसम हो चुका है। अभी इधर पाइपलाइन तो डल चुकी है, लेकिन अभी बंद नहीं कराया है, ये पाइपलाइन को खुला छोड़ दिया है। कुछ काम बाकी रह गया है, क्योंकि अभी काम कर रही लेबर और सड़क वगैरह पर भी काम चल रहा है आसपास, तो इसलिए अभी ये बंद नहीं कराया, क्योंकि इसमें कुछ काम रह गया होगा शायद। और आज मेरा पार्सल आ चुका है, मैं कब से वेट कर रही थी। लेकिन ये फ्लिपकार्ट वाले ना बहुत जल्दी डिलीवरी कर देते हैं, तो क्या मंगाया है मैंने फ्लिपकार्ट से मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ निकल रही है हनुमान की जयंती, मतलब हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो लोग निकल रहे हैं जयंती। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्लिपकार्ट से मैंने क्या मंगाया था, मैंने आपके कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मैंने ये मंगाई हैं, ये कॉपी बुक, मैजिक कॉपी बुक बोलते हैं ये बच्चों के लिए, तो मैंने अपने बेटे के लिए मंगाई हैं। इसमें चार कॉपी बुक हैं, दो नंबर बुक हैं, एक नंबर बुक है, एक मैथ की है और एक ड्राइंग की है और एक है अल्फ़ाबेट की। तो ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपका बच्चा प्री स्कूल में है स्टार्टिंग में, तो उसको लिखने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। इस कॉपी बुक में बच्चों को लिखने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और इसको आप फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्याही है वो अपने आप ही गायब हो जाती है। मैजिक बुक बोलते हैं इसको, तो मैजिक की एक तरीके से बच्चा आपका लिख सकता है, फिर से भी इसको यूज़ कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी हैं ये, तो मुझे फ़्लिपकार्ट से मिली हैं ये 111 की। 151 का इसका दिखा रहा था, लेकिन इस पर 40 का कूपन भी था, तो मैंने 40 का कूपन अप्लाई करके मुझे 111 की पड़ी हैं ये। काफ़ी अच्छी हैं, आप लोग भी ट्राई करें छोटे बच्चों के लिए। तो मेरा बेटा तो बहुत खुश हो गया था देखकर, जब ये आए मंगाई थी उसके लिए मैंने, तो उसको प्रैक्टिस कराती हूँ इन्हीं नोटबुक पर। काफ़ी अच्छी हैं ये। इन चार मैजिक बुक के साथ और क्या है इसके साथ इंक्लूड है, 10 रिफिल्स हैं ये, एक पेन है और एक सिलिकॉन का ग्रिप है, पेन ग्रिप है, जिससे बच्चों को फिंगर वगैरह स्लिप नहीं होगी, उसको पकड़ने में आसानी होगी, और वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चे को। जब ये मैजिक बुक आई थी तो मैंने ओपन की जैसे ही, तो मेरा बेटा देख के बहुत खुश हो गया था कि मेरी नोटबुक आ गई। उसको पहले बता दिया था कि नोटबुक आ रही है आपके लिए मंगाई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था वो। इतने सारे फल क्यों आए हैं? क्योंकि आज हम बंटवाएंगे इफ्तारी,
तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है इफ्तार की, और जो बाकी चीज़ रहेगी उसकी तैयारी कर रही हूँ। फिर इसको आज बंटवाना है सभी के यहाँ पर। तो यहाँ पर फल वगैरह मैंने सब काट लिए हैं, सिर्फ छोले की चाट बनाना रह गई थी, तो मैं उसको बना रही हूँ। नींबू डालना रह गया था, बाकी सब मसाले मैंने डाल दिए, टमाटर प्याज मिर्च वगैरह सब डाल दिया है मैंने उसमें। तो इसको मिक्स कर लूँगी जल्दी से नींबू डालकर, फिर इसको भी रख दूँगी सभी लोगों के लिए, पैक कर दूँगी पॉलिथीन में। तो ये बेटियाँ जाकर दे आएँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा, तो टाइम से पहले पहुँच जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। रमज़ान के महीने की बात ही अलग है, जो इस टाइम अच्छा लगता है ये सब चीज़ें, तो वो बाद में अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे चाट हुई, पकौड़ियाँ वगैरह, शरबत हुआ, ये सब। तो अभी सभी लोग रमज़ान रहते हैं, और शाम को इफ्तारी और सुबह सहरी में उठना, शाम को इफ्तारी बनाना, जल्दी जल्दी सब तैयारी करना, इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग।